नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पुखराज रत्न पांच राशि वाले जातकों के लिए राजयोग बनाता है, मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा पुखराज रत्न किस राशि वाले जातकों को जीवन के किस विभाग में लाभ करता है। किसी भी रत्न के अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग मूवमेंट हो सकते हैं। बृहद चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अविलंब विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि एवं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। दोस्तों, मेष राशि से बृहस्पति नौवें और बारहवें घर के स्वामी होते हैं, तो आपके कैरियर में आपको पुखराज रत्न सहायक होगा। चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं या आप व्यापारी हैं, जीवन के किसी भी पड़ाव पर पुखराज रत्न आपके आर्थिक मामलों में सहायता करेगा। साथ ही साथ आपके जो बिगड़े हुए काम हैं और जो काम आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं उनमें गति प्रदान करेगा। आपके जीवन में पुखराज का जो रोल है वह आपके कैरियर के सहायक के रूप में होगा। पुखराज रत्न पहनने से दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, साथ ही साथ में लंबी यात्राओं में धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि से बृहस्पति छठे और नौवे घर के स्वामी होते हैं, तो आपकी राशि से भी भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण पुखराज ऋण, रोग और शत्रु तीनों चीज़ तो कंट्रोल होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ में आपके कैरियर में भी पुखराज बेहद सहायक होने वाला है। आपका काम चलते चलते रुक गया है, व्यापार में भारी निराशाओं के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपको अपने मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही या आपके कार्यक्षेत्र में आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो पुखराज आप पहन सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को दोस्तों, अगर एजुकेशन में कोई दिक्कत है तो पुखराज आपको पहनना चाहिए। आप मंत्र साधक हैं और साधना में आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मंत्र साधना में आपकी पुखराज कहीं ना कहीं सहायक साबित होगा। साथ ही साथ में आपका जो प्रेम संबंध है, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें भी पुखराज आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। अब दोस्तों, धनु राशि से बृहस्पति पहले और चौथे घर के स्वामी होते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का भी हेल्थ इशू है, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत है, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। इससे आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा, दवाइयां अपना पूरा काम करेगी। आपको मकान खरीदने में दिक्कत है, आपको वाहन खरीदने में दिक्कत है, आप चाहते हैं लेकिन गाड़ी खरीदने का योग नहीं बन पा रहा, भूमि, भवन और वाहन तीनों विषयों में पुखराज आपको सहायता करने वाला है। तो हेल्थ इशू और जमीन संबंधित मामलों में आपको आश्चर्यजनक रूप से पुखराज से लाभ होगा। दोस्तों, मीन राशि से बृहस्पति पहले स्थान के यानी कि लग्न के आपके शरीर के और कर्म स्थान के स्वामी होते हैं, कार्यों में रुकावटें, कार्यों का होते होते अटक जाना, बार बार मान सम्मान में हानि होना, पिता का सहयोग न मिलना और राजनीति में असफलताओं का दौर, अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं तो पुखराज रत्न आपको बहुत सहायता करेगा। क्योंकि आपके लगन के भी स्वामी हैं और कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो पुखराज आपके जीवन में एक बड़ा राजयोग बनाएगा। दोस्तों, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और आपकी मीन राशि है, तो आपको पुखराज ज़रूर पहनना चाहिए। तो यह था अलग अलग पांचों राशियों के जीवन में पुखराज रत्न किस प्रकार के मूवमेंट करेगा, और मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।